फाटका डिक्लेरेशन नहीं दिया तो फ्रीज होगा आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट, 30 अप्रैल तक देना होगा डिक्लेरेशन। इस हफ्ते बाजार का शानदार प्रदर्शन, सेंसेक्स और निफ्टी ने दिया 2% का रिटर्न। आज बाजार में सुस्ती के साथ हुआ कारोबार, इंट्राडे में निफ्टी 9300 के नीचे फिसला, सेंसेक्स 111 अंक, निफ्टी 38 अंक गिरकर बंद, बैंक और मेटल शेयरों में रही तेजी। टाटा और डोकोमो को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, टाटा और डोकोमो के सेटलमेंट शर्तों को मिली मंजूरी, टाटा 120 करोड़ डॉलर में खरीदेगा डोकोमो का हिस्सा, कोर्ट ने आरबीआई की चिंताओं को किया खारिज। हैरान नहीं करेंगी जीएसटी की दरें, बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, कहा मौजूदा दरों के आसपास ही होंगी जीएसटी की दरें। 18 और 19 मई को श्रीनगर में होगी जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक। जीएसटी को लागू करने की तैयारियां पूरी, लेकिन रेवेन्यू का आकलन करने में लगेगा वक्त, जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया। एनएसई का आईपीओ आने में हो सकती है देरी, सेबी चेयरमैन अजय त्यागी बोले कोलोकेशन का मामला सुलझने में लगेगा वक्त, तभी आएगा आईपीओ। दिल्ली को मिलेगी जाम से आजादी, 15 अगस्त को पूरा होगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का काम, बिना दिल्ली से गुजरे उत्तर प्रदेश और हरियाणा पहुंचने का होगा इंतजाम। अक्षय तृतीया पर सोने में शुभ निवेश का मौका, पिछले साल से सोना 1,300 रुपए सस्ता, देर रात तक खुले रहेंगे ज्वेलरी शॉप्स, ब्रोकरेज हाउसेस का लक्ष्य सोना 30,500 से 31,500 तक जाएगा। लखनऊ में कई पेट्रोल पंप पर एसटीएफ का छापा, चिप और रिमोट के जरिए हो रही थी तेल की चोरी, 7 पेट्रोल पंप सील। और खत्म हुआ 2 साल का इंतजार, बाहुबली 2 रिलीज, सिनेमाघरों में उमड़ी भीड़, हैदराबाद में देखी फैंस में दीवानगी, एक्टर प्रभास के कटआउट को दूध से नहलाया, 4,000 रुपए तक पहुंचे टिकट के दाम।